अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट मिसेस मैरी वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, मॉर्निंग हो चुकी हुई है और यहाँ पे आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी अपनी डेली रूटीन विंटर की कि मेरी अब डेली रूटीन क्या होगी हुई है। समय में तो पहले होता था कि आप मॉर्निंग में ही खाना बना लो, इतनी गर्मी नहीं होती थी, लेकिन सर्दियों में इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि इंसान का दिल ही नहीं करता कि हम ब्लैंकेट में से निकल के जाएँ। खैर, अब काफ़ी लेट होगी, इस टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 12 o'clock और यहाँ पे अभी तक मेरा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले उठ के अपना बेड सेट हर चीज़ की है, क्लीन श्लीन की है, और यहाँ पे अब मैंने ब्रेकफास्ट बनाना है, लेकिन मेरे पास आटा नहीं था तो मैं बाहर से नान मंगवाऊँगी। और नान मंगवाना है, कुछ मैंने पेटी से अपना सामान निकलवाना है जो कि मेरे मामू के घर पर ही है, जो कि साथ वाले मामू रहते हैं उनके घर, वहाँ से कुछ सामान लूँगी, कुछ वहाँ से आके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे नान मेरे आ चुके हैं, मैं उधर से आ गई हूँ और यहाँ पे नान भी मैंने ले आई हूँ, मामू से मैंने मंगवा लिए थे। और कुछ सामान है, इब्राहिम का ये ड्रेस था एक, मैंने कहा चेक करके देखते हैं, अगर ये उसको आता है तो ठीक है, वरना फिर हमें न्यू बाय करना पड़ेगा। ये भी जब हमने लिया था ये वाला, तो इसको बड़ा था, बहुत बड़ा था इसको, तो मैंने वैसे ही संभाल के रख लिया था कि चलो मैं अगर काम आया तो मैं पहना लूँगी इसे। सो ये था, और साथ में मैं ले कर आई हूँ अपने मग। ये मैंने सोचा था कि जब हम न्यू, ये वैसे मैंने लिए थे अपनी शादी पे लिए थे, लेकिन मैंने कहा था कि मैं इसको बाद में यूज़ करूँगी अपने न्यू घर में शिफ्ट होकर, लेकिन चलो खैर कोई नहीं, जब हम जाएंगे हम तब न्यू कोई और डिज़ाइन के ले लेंगे और अच्छी बेस्ट ले लेंगे। सो ये मग है, ये चार हैं फ़िलहाल, ये मैंने निकाले हैं दो, क्योंकि हमें अब मग में चाय पीनी हो तो फिर मज़ा आता है। ठीक है, अब मैं करूँगी नाश्ता। ये मेरे नान हैं, ओवन में मेरा सालन पड़ा है, चाय मेरी बाई बन रही है, सो मैं पीऊँगी चाय। अब इनको उठा के मैं लेके जाऊँगी बाहर और लेके आऊँगी अपनी चाय। सो गाइस, मेरा नाश्ता हो चुका है डन, मतलब कि गरम शरम होके आ गया है। ये है आलूबंडी की भुजिया मैंने बनाई थी, और ये मेरी चाय और ये मेरे नान। अब हम करते हैं ब्रेकफास्ट बच्चों के साथ। मुझ रहा था पहले नीचे दादा से लेके आई है, इब्राहिम कह रहे मुझे दे दो। सुबह सुबह फाइट, सुबह सुबह फाइट करते हैं। क्या लेना? नो, चलो हम ब्रेकफास्ट करें, चले चले। ओके, ये क्या लड़का मुझे चाय नहीं पीने दे रहा। इब्राहिम, क्या चाय पीनी है? दे लो, ये इब्राहिम के काम चेक करना, सारा बीच में, सारा बीच में। होता है, होता है, होता है, बस 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 बस। चलो अब आप ही की टर्न, आप ही की टर्न। मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है और यहाँ पे अब मैं बच्चों को करवाने लगी हूँ। कुछ रोटी मानों ने खाई है मेरे साथ नान, लेकिन कुछ मैंने कहा चलो इसको डस्ट चाय खिला देती, क्योंकि इब्राहिम तो नान खा कम रहा था, वेस्ट ज़्यादा कर रहा था। तो ये देखे इसके काम चेक कर। इब्राहिम में ब्रेकफास्ट करना था, तो खैर मैं इसको मैश करके इसको दूंगी। ये लो, सारा खा लो, सारा खा लो, खा लो, खा लो, खा लो, भूखा। नो 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 नो, गिर जाएंगे। ये चेक करें ज़रा इब्राहिम के काम, बकेट में फिर से बैठा हुआ है। तो यहाँ पे अब मैं करूँगी बाकी के काम। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और वो जो है फ़िश जो पड़ी है फ्रीज़ हुई थी वो डिफ्रोस्ट करनी है, ताकि माजी आए तब तक खुली जाए। ये अभी डिफ्रोस्ट करूँगी ताकि कुछ तो मतलब कि हो ना, नरम हो जाए। तो यहाँ पे अब मैं करूँगी बाहर बर्तन वगैरह वॉश करूँगी, साथ में मैं सोच रही हूँ शामी बनाऊँ, तो शामी के लिए मैं कुछ करती हूँ कि शामी को प्रेशर लगा के सब चीज़ें जैसे मैं डालती हूँ, मेरी रेसिपी जो है मैं वो उस तरीके से बनाती हूँ, तो वैसे मैं बनाऊँगी। अगर किसी ने मेरी वो वाली रेसिपी नहीं देखी है तो वो देखें, बहुत ईजी हैं, बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। और मैं अब इवन दो कि मैं अपनी रेसिपी जो मैंने डाली हुई है उस रेसिपी को ओपन करके मैं बनाती हूँ, ताकि कोई भी पॉइंट मेरा मिस ना हो जाए, वो बहुत मज़े के बनते हैं उस तरीके से। सो मैं बनाऊँगी वो, और सबसे पहले करूँगी फ़िश को डिफ्रोस्ट। ये देखिए जो ये फ़िश है ना, ये फ्रीज हुई है, अब मैं इसको कटनी है, ज़रा डिफ्रोस्ट कर लूँगी ओवन में। ये मैं रखूँगी ओवन में, इसको ओपन करूँगी और यहाँ पे टाइम वेट डिफ्रोस्ट करके मैं इसको कर लूँगी। ये ऑलमोस्ट लग रहे हैं 7 मिनट्स एंड सम सेकेंड्स।
जब तक ये होती है मैं बाहर जो है बर्तन वगैरह वॉश करने हैं। इतनी सर्दी में बर्तन धोना इतना मुश्किल काम लगता है ना, इतना ठंडा पानी आता है ना कि दिल ही नहीं करता बर्तन वगैरह वॉश करने को। तो यहाँ पे है ये हो रहा है, बाकी के भी काम करती है टाइम वेस्ट किए बगैर। यहाँ पे मैं नका रही हूँ दाल शामी के लिए, सो आई थिंक इतनी दाल इनाफ है, मुझे तो लग रहा बल्कि ये ज़्यादा हो गई है क्योंकि चिकन मेरे पास जो इस दफ़ा है वो कम है, तो मैं इसमें थोड़ी सी इतनी सी निकाल लेती हूँ। ये मैंने अब इसकी मैं बनाऊंगी, इसके बनाऊंगी शामी, और बाकी जो है मैं ऐसे ही एज इट इज़ बंद करके रख दूंगी। और आज मैं कर रही हूँ अपने ओवन की क्लीनिंग वगैरह, अंदर से काफ़ी देर हो गई थी क्लीन नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो आज मैं अपने रूम अपने ओवन की क्लीनिंग भी करती हूँ, क्योंकि मुझे होता है जिस दिन मैंने खाना नहीं ना बनाना होता तो मुझे होता है कि मेरा वो डे वेस्ट ना हो, उस दिन जो मेरे बाकी पेंडिंग काम होते हैं उसको मैं कर लूँ। सो यहाँ पे मेरा ओवन जो है अब हो गया है क्लीन, मैं इसको करूँगी बंद और बाहर जाके बनाऊँगी शामी। बर्तन मेरे वॉश हो गए थे और यहाँ पे मेरा ओवन हो गया है। चलो जी अब मैं बनाऊंगी फिश। ये देखिए ऑलमोस्ट हो चुकी हुई है, ऑयल मेरा ये गर्म होना रखा हुआ मैंने, हो गया है ऑलमोस्ट, और अब मैं डालूंगी इसको उसमें। चलो जी मैंने डाल दी है फिश बीच में, तो इसका जो मसाला है वो डालना है वो मैं बाद में डालूंगी। ले जी ये तो हल्की आंच पे फिश फ्राई हो जाएगी, और माजी को आने में टाइम है इसलिए मैंने पहले ही हल्की आंच पे रख दिया क्योंकि इस पर हल्की ही आंच पे बनी है। सो अब वेट करते हैं माजी का, फिश तो ये फ्राई होती जाएगी और मैं इसको कर दूँगी थोड़ी देर में इसकी साइड चेंज। और जो मसाला है इसका मैं बाद में रेडी करूँगी क्योंकि मसाला जो है वो जल्दी जल जाता है अगर फ़िश के साथ डालो तो। सो गाइस यहाँ पे जो है फ़िश वो तो बन रही है, लाइट बहुत ज़्यादा तंग कर रही है और कभी लाइट आती है कभी चली जाती है। मेरा सुबह से शामी तक नहीं बने थे, वो भी अभी मैंने शामी भी बनाने हैं, तो अभी ये हाफ़ फ्राई हुई है, हाफ़ ऑलमोस्ट अभी रहती है, इसको मैं ऐसे रहने दूँगी। और यहाँ पर जो है लाइट फिर चली गई है और अम्माजी अब ऐसे ही ब्रेक अपना जो है डिनर कर रहे हैं, और मुसरा को भी साथ में लगाया हुआ है, मामी ने बनाए थे जो मछली के सीरे होते हैं ना जिसे हेड फिश कहते हैं वो, और मुसफिरा और अम्माजी खूब इंजॉय करके खा रहे हैं और मैं यहाँ पे उनका मुंह देख रही हूँ क्योंकि ये मैं नहीं खाती, मुझे नहीं पसंद ये, तो मैं वेट कर रही हूँ लाइट आए, बाकी की फ़िश भी फ्राई हो और मैं खाऊँ फिर। सो गाइस यहाँ पे लाइट तो नहीं आई लेकिन मैंने क्या किया है कि जितनी हाफ़ फ्राई हुई थी वो पकड़ के मैं खाने लग गई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। सो फाइनली लाइट 1 घंटे के बाद आ गई है और चाय मैंने रख दी है ऊपर, क्योंकि चाय के बगैर तो फिर कह लो कि हमारा जो खाना होता है वो अधूरा होता है, अधूरा अधूरा लगता है कि जैसे हमने अभी कुछ खाया ही नहीं, इनकम्प्लीट है। सो यहाँ पे चाय बन गई है ऑलमोस्ट, और इसके बाद मैं रखूँगी, प्रेशर भी मैंने लगाना है, जो हाफ़ फ्राई रह गई थी फ़िश वो भी मैं करूँगी फ्राई, और साथ में मैं रखूँगी प्रेशर जो लगाना है शामी का वो भी, क्योंकि मैंने सुबह से लगा के रखा हुआ था लेकिन वो लाइट की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा था। तो जैसे ही लाइट आई मैंने ये सब तीनों काम मेरे वाइंड अप किए, फिर उसके बाद मैंने जो है साथ साथ मामी के लोगों के मामी मामू के कपड़े थे कुछ वॉश करने वाले वो मैंने फटाफट से वॉश किए, लाइट आई और इनको मैं अब ऊपर फैला के आऊँगी। यहाँ पे इब्राहिम आया, इब्राहिम आ गया, आप कौन है? ये चेक करो इब्राहिम का काम। गया मैं अब जाके, हमारी शामी बनी है अब जाके, चलो नो 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 नो। इसके बाद गाइस मैंने डाली है थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, इनका भी बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। और यहाँ पे रात के 10:15 हो गए हैं और अब जाके मेरे शामी बने हैं, और अब मुझे टाइम मिला कि इब्राहिम को मैं नहला सकूँ, कल भी गए थे नहलाती हूँ लेकिन सर्दी की वजह से रुक गई थी, लेकिन मेरे बच्चों के रैशेस वगैरह बन जाते हैं इसलिए मैंने उसको नहीं नहलाया। सो अभी मैं फ्री से सोच रही हूँ कि मैं इनको अभी ही नहला दूँ, मुस्करा को भी और इब्राहिम को भी। तो ये मैंने इब्राहिम के फ़िलहाल कपड़े निकाले हैं, इब्राहिम को नहला के मैं मुस्करा को नहलाऊँगी, और अब मैं नहलाऊंगी मुस्फिरा को। मुस्फिरा जो है पहनेगी ये वाले कपड़े
और ये मैंने इसके कपड़े निकाले हैं, नीचे इसकी वेस्ट है। सो अब मैं नहलाऊंगी मुसफिया को। सो गाइस ये रोता हुआ बच्चा जो है ना, ये नहा चुका है। अब कह रहा मुझे पकड़ो। और इब्राहिम मुसफिया ने भी नहला लिया और वहाँ पे जंपिंग शुरू कर दिया। अब इनको सुलाएंगे और उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का जो व्लॉग है वो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। J'suis pas tata, j'serais bon pas quand t'as le temps. Il faut pas que j'arrive, j'vais être dans la légende.